जिसे सब लोग खाते हैं, दिस इज $1 में 6, जो कि होता है अराउंड 10 या 12 रुपए का ये छोटू पैकेट। दिस इज हल्दी, हल्दी इज फॉर $2.99, जो कि होता है अराउंड 200 रुपए। तो $1 के 6 नींबू मिलेंगे आपको। दिस इज फॉर 100 रुपीज। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु और मेरे पीछे है पटेल ब्रदर्स। इस शॉप की बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जाके मैं व्लॉग बनाऊं। क्या होता है ना, जब हम इंडिया में रहते हैं तो मम्मी बोलती है कि US में क्या मिलता है। तो अगर आपको देखना है कि US की इंडियन शॉप में कितना सामान मिलता है, कितना प्राइस वैल्यू का होता है, एग्जैक्टली क्या क्या वैरायटी होती है, मैं आज आपको दिखाऊंगी इस व्लॉग में। लेट्स रोल। तो अभी हम हैं पटेल ब्रदर्स के अंदर एंड ऑनेस्टली यहाँ आना मुझे हर बार एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि इतनी वैरायटी मिलती है ना, एंड ऑनेस्टली घर की भी याद आती है। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये दाल सेक्शन है। मतलब इंडिया में भी अगर आप जाओगे ना, तो इतनी सारी दाल एक जगह नहीं मिलेगी। मतलब एक दाल की 4 वैरायटी, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा। एंड ऑनेस्टली यहाँ पर ऐसी ऐसी दाल मिलती है ना, जिसके बारे में मैंने सुना भी नहीं। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट द प्राइजेस। अगर मैं आपको बताऊँ कि कितने पैसे का मिलता है, तो जैसे कि दिस इज़ मसूर मलका, इतना बड़ा पैकेट, ये है अराउंड $3.99, जो कि होता है अराउंड 300 रुपये, ठीक है। दिस इज़ तूर दाल, दिस इज़ फॉर $2.99, जो कि होता है अराउंड 150-200 रुपये के अराउंड, ठीक है। जैसे कि लेट्स शो राजमा, तो जो राजमा है ये है अराउंड $2.99 का, जो कि होता है अराउंड 250 रुपये के अराउंड एक पैकेट। इफ वी गो अहेड, यहाँ पे ये चाय टाइप मिलती है। मतलब ये जो चाय होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा देसी फ्लेवर होता है, जैसे जिंजर चाय, लेमन ग्रास चाय, मद्रास कॉफ़ी, तो ये भी है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी तरह बहुत सारे लोग ना नौसिखिए हैं, जिन्हें खाना बनाना नहीं आता है, तो ना वो हम लोग ऐसे बहुत बार यू नो मिक्स लेके जाते हैं, जैसे ढोकला मिक्स, दाल मिक्स, और डोसा मिक्स, इडली मिक्स, तो वो सब होता है। ये सब गुलाब जामुन अगर आपको खाने हैं तो आप इससे बना सकते हो, बहुत जल्दी बनेंगे। यहाँ पे अमूल गाय का शुद्ध घी, अमूल का ये वाला घी, स्वाद अगेन स्वाद, ये भी स्वाद का है। ये वाला जो है ये अराउंड 1 kg का पैकेट है। दिस इज़ फॉर $12.99, जो कि होता है अराउंड 800-900 रुपये। सो अगेन आई थिंक घी तो महंगा नहीं है। ये जो घर वाले ना, इनका फेवरेट चीज़ होती है ना काजू बादाम लेके जाओ, बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे एक सॉल्टेड काजू, नॉर्मल काजू, बादाम, पिस्ता, सब कुछ मिलता है। दिस इज़ फॉर $4.99, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, एंड दैट्स अ गिवन फैक्ट कि वो तो होगा ही, बट एनी विच वे वैरायटी में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। मतलब इतनी वैरायटी होगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला लो। एक और चीज़, यहाँ पे ना लेन्स बनी हुई है, और मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, मुझे रटा है कि कहाँ पे क्या मिलता है। जो अभी वाली लेन है ये मसाले वाली लेन है, एंड ऑनेस्टली आपको ना इंडिया में भी इतने मसाले नहीं मिलेंगे। मतलब MDH के ना सोचो, ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ MDH के मसाले हैं। दिस इज़ जलजीरा, किचन किंग, गरम मसाला, चाट मसाला, शाही पनीर मसाला, तंदूरी चिकन मसाला, सब्जी मसाला, तो बहुत सारे मसाले होते हैं। ऑल्सो अचार, मतलब आई नो मम्मी का प्यार होता है, वो डिफरेंट है, बट यहाँ पे ना अचार ही टाइप के मिलते हैं, बहुत सारे टाइप के, जिंजर पिकल, मिर्ची वाला, नींबू वाला, मिक्स पिकल इन डिफरेंट ऑयल्स। By the way, this is chili powder. This is around 400 grams. This is for 3.49, जो कि होता है अराउंड 250-300 के आसपास। This is mustard seed 2.49. This is स्वाद मेथी सीड, दिस इज 3.99. अजवाइन 3.99. तो मतलब यहाँ पे ना 1, 2, 3, 4 बहुत सारी वैरायटी मिलती है। By the way, this is हल्दी, हल्दी इज़ फॉर $2.99, जो कि होता है अराउंड 200 रुपये। तो इतनी हल्दी इज़ फॉर 200 रुपीज़। दिस इज़ मैगी मसाला, दिस इज़ $1 के 4, मतलब अराउंड 70-75 जितने का भी डॉलर चल रहा है, उसके 1, 2, 3, 4 पैकेट बस। मुझे ना
यहाँ पे लोग बोलते हैं मैं चटनी क्वीन हूँ, क्योंकि मुझे चटनियाँ बड़ी सारी पसंद है। तो मतलब लुक एट इट, वो जो घर की याद वाले जैम चटनियाँ, शेजवान पकौड़े चटनी, समोसा चटनी, टैमरेड चटनी, सब कुछ मिलेगा। दिस इज़ मखाने, दिस इज़ फॉर $5.49 ये वाला पैकेट, जो कि अराउंड 200 ग्राम्स, दिस इज़ इन INR अराउंड 400 रुपये। जो मैं सेक्शन में अभी हूँ, ये इस साइड नमकीन और इस साइड बिस्किट वाला सेक्शन है। मुझे ना बिस्किट नमकीन खाना बड़ा पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बाय द वे, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, लुक एट इट, यहाँ पे ब्रिटानिया मिलेगा, गुड्डे मिलेगा, गुड्डे में इतनी सारी वैरायटी मिलेगी, मोनाको मिलेगा, क्रैक जैक मिलेगा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ पार्ले जी, जिसे सब लोग खाते हैं, दिस इज $1 में 6, जो कि होता है अराउंड 10 या 12 रुपये का। ये छोटू पैकेट है, दिस इज़ नॉट द बिग पैकेट। अच्छा, नमकीन भी बहुत सारी है, और पेपर बनाना चिप्स, मसाला बनाना चिप्स, प्लेन बनाना चिप्स, सब कुछ मिलेगा, ड्राई समोसा। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जब घर पे आते हैं गेस्ट, तो लोग ये खिलाते हैं, दिस इज़ प्लेन पूरी, आप इसे दही भल्ले के साथ यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ बूंदी, बूंदी वाली, अगेन सेव मुरक्कू, जो साउथ इंडियन वाला मुरक्कू होता है वो भी मिलता है यहाँ पे। दिस इज़ हल्दीराम सेक्शन, दिस इज़ फॉर $2.99, जो कि होता है अराउंड 200 रुपये के आसपास, एंड आई थिंक इंडिया में ये मिलता है नॉट श्योर, अराउंड 75 रुपीज़ का। नींबू मसाला है, और ये तो बहुत टेस्टी होती है, दिस इज़ अगेन फॉर $2.99। ये जय भोलेनाथ वाला सेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारी पूजा का सामान मिलता है। लुक एट इट, ये अगरबत्ती है, अगेन दिस इज़ ऑल्सो अगरबत्ती, तो यहाँ पे ये सब सामान है। और यहाँ पे मुझे ना ये चाहिए कुमकुम पाउडर, तो ये भी आप ले सकते हो, दिस इज़ फॉर $1.99, जो कि होता है अराउंड 150 रुपये के आसपास। अगेन लुक एट इट, ये अगर आपको लेना है ऐसे पूजा करने के लिए, यू कैन ऑल्सो बाय दिस, दिस इज़ फॉर $17.99, जो कि होता है अराउंड 1200 रुपये के आसपास। जो इंडियन स्टूडेंट्स और जो लोग पहली बार यूएस आते हैं, पक्का से उठा के आते हैं, वो है कुकर। तो बाय द वे, यहाँ पे कुकर मिलता है, ये हॉकिंस वाला है, दिस इज़ $44.99, जो कि होता है अराउंड 3,500-3,500 रुपये। 2 लीटर का आप लोगे तो पड़ता है $30.99, जो कि होता है अराउंड 2,000 रुपये। ये सेम ही है, मतलब जो इंडिया में मिलता है एग्जैक्टली वही है, तो मतलब आई थिंक लाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ उठाना, मैगी वैगी मत भरो। जो मेरे पीछे है ये आशीर्वाद आता है, तो अगर आपको आशीर्वाद लेना, आओ मामा आशीर्वाद ले लो, दिस इज़ फॉर $8.99, जो कि होता है अराउंड 600 रुपये के अराउंड। इस बार पाकिस्तानी चावल भी है, दिस इज़ फॉर $9.99, जो कि होता है अराउंड 700 रुपये के अराउंड, ये वाला चावल। जो यहाँ है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, वन ऑफ द, मैंने क्या बहुत बार फेवरेट बोल दिया मुझे नहीं पता, बट मुझे ना पटेल में आना बड़ा पसंद है। ये जो पाव भाजी है आप 2 मिनट में खा सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव करना है। फ्रोजन पाव भाजी है, दिस इज़ फॉर $3.49, जो कि अराउंड 250-300 रुपये के अराउंड। दिस इज़ कढ़ाई पनीर, दिस इज़ पनीर मखनी, अनियन भजिया, मलाई कोफ्ता, यार 2 मिनट में मिलता है आपको। हल्दीराम का सामान ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, आई हाईली रिकमेंड इनकी दाल मखनी, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। बाय द वे, दिस इज़ 2.49 की रोटी, जो कि होता है अराउंड 200 रुपये, इसमें आपको 12 रोटी मिलेगी। ये मिठाई वाली क्रेविंग वाले लोगों के लिए यहाँ पे ना हल्दीराम का और बाकी ब्रांड्स का हलवा मिलता है, दिस इज़ रस मलाई, दिस इज़ लच्छा रबड़ी, दिस इज़ पता नहीं दूध दुलारी, बहुत सारी टाइप की मिठाइयाँ मिलती हैं। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट गाजर का हलवा, अभी डिस्काउंट में भी चल रहा है $2.99। काजू बर्फी भी मिलती है, मिल्क केक भी मिलता है। अगेन ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको आइसक्रीम्स मिलेंगी, मतलब वो जो देसी आइसक्रीम होती है ना, कुल्फी पिस्ता, दिस इज़ चौपाटी कुल्फी, दिस इज़ मैंगो कुल्फी, दिस इज़ फॉर $1.99, जो कि होता है अराउंड 150 रुपये के अराउंड। हम वेजिटेबल वाले सेक्शन में आ चुके हैं, तो पीछे वही जो नॉर्मल सब्जी मिलती है वो मिलेगी। ये वाली सब्जियाँ ना सिर्फ इंडियन स्टोर पे मिलती है बहुत सारी, जैसे करेले, कभी कभी बीन्स या लौकी, वो सब बाकी स्टोर्स पे नहीं मिलती, तो आप वो यहाँ शॉप करने आ सकते हो। तो $1 के 6 नींबू मिलेंगे आपको, वो जो इंडिया वाले होते हैं ग्रीन ग्रीन, यहाँ पे ये नहीं मिलते, यहाँ पे येलो वाले मिलते हैं। ये टमाटर है, दिस इज़ फॉर $1.99, जो कि होता है 150 रुपये का 1 पाउंड। ये प्याज है, दिस इज़ फॉर $1.29, जो कि होता है 100 रुपीज़ पर पाउंड। अच्छा, ये जो धनिया और मेथी है ये सिर्फ और सिर्फ पटेल में मिलती है, दिस इज़ अराउंड 100 रुपीज़ का 1, ये दिस इज़ फॉर 100 रुपीज़ इन INR,
एंड दिस इज़ मेथी, दिस इज़ ऑल्सो फॉर 100 रुपीज़ ईच। ये दो की है तो मतलब ये 100 के 2, ये 100 का 1। ये लौकी ये सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलती है, दिस इज़ फॉर 1.99 जो कि होता है अराउंड 150 रुपये का पर पाउंड के हिसाब से मिलेगा। दिस इज़ फॉर $3.49, मतलब ये है 250 रुपये का एक गोभी। अच्छा मैगी ना सबको पसंद है, और यहाँ पे छोटू वाली भी मिलती है, बड़ा पैकेट भी मिलता है। दिस इज़ $1 के अंदर 4, मतलब 70-75 के अंदर 4, 15 या 20 रुपये केक पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है ना, एक तो मैंने आपको फ्रोजन मिठाइयाँ दिखाई थी, ये फ्रेश मिठाई है। तो ये जलेबी है, गुलाब जामुन है, मिल्क केक है, ये जो ऑरेंज वाले लड्डू होते हैं वो है। ये वाली जो चीज़ है ये मैं बहुत बचपन में खाती थी, ये भी है यहाँ पे। दिस इज़ संतरा कैंडी, यहाँ पे मैंगो कैंडी भी है, चटपटा आमला भी है, और उधर ना तिल के लड्डू है। दिस इज़ अगेन चक्री है, दिस इज़ अगेन चिक्की है, ये जो ऊपर है ये पूरा यू नो मुखवास की इतनी सारी रेंज है। आई एम इन द गाड़ी राइट नाउ एंड द बिल इज योर, जिसकी मैंने चित्र उड़वा दिए बट मेरे को याद है कि मुझे बताना है। तो बिल इज़ अराउंड फॉर $180 जो कि होता है इन INR अराउंड 12,000 रुपये। अगर आप दो बार आओगे तो मतलब 25,000 तो मान के चलो। आज हमने दाल सब्जी कुछ भी नहीं लिया था, बहुत कम सामान लिया था, तब 12 आ गए। अगर अच्छे से लेते तो 15-15 तो आ ही जाता है, 25-30 मान के चलो आप। अगर आपको ये वाला लाइट हार्टेड व्लॉग पसंद आया, मतलब जिसमें कुछ कंटेंट होता है कि इंडियंस की लाइफ कैसी होती है US में, इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दीज व्लॉग रादर देन ट्रैवल व्लॉग्स, कमेंट बिलो लेट मी नो, ताकि मुझे पता लगे। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, नीचे लिंक डालूंगी ताकि आपको पता लगे कि मैं कौन सा व्लॉग नेक्स्ट डालने वाली हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो, शेयरिंग द वीडियो, कमेंटिंग ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, क्योंकि फ्री है, कर दो ना यार।